नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। क्या इंडिया ने बंबई में मीटिंग रखी है और कल उसकी औपचारिक मीटिंग होनी है, और उधर अडानी पर नए खुलासे हुए हैं जिसको लेकर एक बार फिर न सिर्फ अडानी बल्कि अडानी के मित्र देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी संदेह के घेरे में है। ऐसे ही माहौल के बीच में अचानक सरकार द्वारा यह निर्णय लेना कि 5 दिन का विशेष सत्र संसद का बुलाया जाएगा, और सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार शायद वो बिल लाना चाहती है जिस बिल में कहा गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। इतना अहम फैसला जो इस देश की संघीय ढांचे को पूरी तरह से प्रभावित करने जाने वाली है, लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण बिल मोदी सरकार आनन फानन में एक विशेष सत्र बुलाकर पास करना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में, प्रसार माध्यमों में, विश्लेषकों के बीच में यह चर्चा है कि मोदी का ये धक्का तंत्र है, लेकिन मैं इसको मोदी का धक्का तंत्र नहीं मानता, क्योंकि इंडिया की तीसरी बैठक बंबई में होने जा रही, कुछ और नए दल उसमें शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं यह स्पष्ट संदेश निकल रहा है कि आए दिन इंडिया की ताकत और इंडिया की विश्वासार्हता बढ़ते जा रही है, इंडिया की विश्वसनीयता बढ़ते जा रही है, और कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 ऐसे अहम राज्य है जो इस देश के हिंदी बेल्ट में बड़े राज्यों में इनकी गिनती आती है, और जो सूत्र बता रहे हैं जिस प्रकार का माहौल, राजनीतिक माहौल, और खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का, कि बीजेपी की हालत बड़ी खराब है, चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है, इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स आ रही है, यहां तक मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की हालत कर्नाटक से भी बदतर होने जा रही है, और एक के बाद एक हिमाचल का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद मोदी सरकार इतनी अब भयभीत है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव हार जाती है, ये बात सही है, इसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस वापस आती है तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अहम सवाल, चिंता का सवाल जो है कि क्या लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक विधानसभा के हार को झेलकर लोकसभा का चुनाव, क्या भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को फेस कर पाएगी, क्या उस चुनाव में वो उतर पाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाकर आए दिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तीसरी मीटिंग बंबई में
होने जा रही है, कुछ अहम फैसले उस बंबई के मीटिंग में होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच अडानी के मामले को लेकर दो बड़े खुलासे आए हैं, चाहे फाइनेंशियल टाइम्स हो चाहे ब्रिटेन का गार्डियन हो, और उसने इस बात की पुष्टि की है कि किस तरीके से अडानी समूह में अपने ही शेयर को वैल्यू को बढ़ाने के लिए किस तरीके का खेल उन्होंने किया। यहां से पैसा विदेश गया और विदेश में पैसा उन्हीं के पास गया जो अडानी के रिश्तेदार है, और उन्होंने ही जो है अडानी समूह के शेयर्स की वैल्यू बढ़ाई और उन्होंने ही उसको खरीदा। ये सारी बातें जिससे अब तक अडानी के परम मित्र देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बचना चाहते थे, इसी मुद्दे पर विपक्ष ने जब पिछले संसद सत्र में घेरा और इस मांग की कि संयुक्त संसदीय दल गठित किया जाए, समिति गठित किया जाए और इस पूरे प्रकरण की जो है जांच की जाए, लेकिन मोदी अपने मुंह से एक शब्द भी उन्होंने नहीं निकाला। और सेबी को जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसकी पूरी जांच करिए, तो सेबी ने भी कुछ तो पाया गलत, लेकिन सेबी भी जो है आखिर हाथ टेक दिए, ये कहते हुए वो पता ही नहीं कि विदेश में कौन से वो शेल कंपनियां हैं, वो कहां उनके अते पते हैं, हमें मालूम नहीं कहां से किसने जो है अदानी समूह में निवेश किया है। और जब आज खुलासा हो गया तो सेबी जो है उसका भी चेहरा बेनकाब हो गया, मतलब एक के बाद एक लगातार बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश के अंदर माहौल बन रहा है, और ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं प्रधान सेवक घबराए हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रधान सेवक इस बात को महसूस कर लिए हैं कि 2024 की बाजी अब उनके हाथ से निकल गई है, जमीन खिसक रही है, तेजी से खिसक रही है, ये उस तरीके से खिसक रही है जैसे पहाड़ों के अंदर भूस्खलन आता है। और इन तमाम विपरीत परिस्थिति में लोगों का ध्यान हटाने के दृष्टिकोण से ये कदम मोदी सरकार ने घबराहट में उठाया हुआ कदम है, ना कि कोई धक्का तंत्र है कि एक चुनाव एक राष्ट्र। मोदी सरकार ने अगर कोई चीज इस पूरे इस नए बिल में अगर जोड़ देती कि एक राष्ट्र एक चुनाव और एक पूंजीपति, तो शायद लोगों को समझ में आता कि मोदी बड़े ईमानदार है। लेकिन मोदी पिछले 9 साल में जिस तरीके से हमने देखा है कि इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने अपना कारोबार चलाया है, मोदी ने इस देश की लोकशाही को तार तार किया है, मोदी ने इस देश के लोकशाही के बुनियाद पे खड़े हुए उन तमाम संस्थाओं को उन्होंने एक प्रकार से खोखला बनाया है, और ऐसे स्थिति में पूरी की पूरी देश की जो हमारी फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, अब उस ढांचे पर ही आखिरी का हमला करने का इरादा मोदी सरकार बीजेपी और आरएसएस ने कर लिया है। और 5 दिन का जो सत्र है 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक, पिछले 75 साल में संविधान इस देश के अंदर 1950 में स्वीकृत करने के बाद जो एक संघीय ढांचा का निर्माण किया गया है, मोदी सरकार एक झटके में इस संघीय ढांचे को उध्वस्त कर देना चाहती है, और उसी उध्वस्त करने की प्रक्रिया में अब मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल लाने जा रही है, जो संकेत मिल रहे हैं
और ये बिल हानन फानन में जो लाया जा रहा है, ये साफ इस बात का संकेत है कि हो सकता है कि दिसंबर में चुनाव ये सरकार कर सकती है, 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के साथ वो सरकार करा सकती है, क्योंकि मोदी को इस बात का यकीन हो गया है कि आए दिन जमीन उनके पांव के तले खिसकते जा रही है, और इसको अगर उन्होंने 2024 के फरवरी मार्च महीने तक अगर जारी रहने दिया तो फिर 2024 के नतीजे जो है बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे आ सकते हैं। इसलिए मोदी ने धक्का तंत्र नहीं बल्कि मोदी का ये फैसला घबराहट में लिया गया हुआ फैसला है। आइए देखते हैं कल इंडिया की बैठक में क्या फैसले होते हैं और उसके क्या परिणाम जो है मोदी सरकार पे होते हैं, और किस तरीके से मोदी सरकार और अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को लोगों से ध्यान भटकाने के लिए क्या नए नए निर्णय वो लेती है। आइए देखते हैं कल इंडिया में क्या होता है और इंडिया के निर्णय के बाद एनडीए में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।